कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करके एक नई पहल की शुरुआत की है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। हर अस्पताल को प्रत्येक दिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय परिसर से ऑक्सीजन ऑन व्हील गाड़ी को रवाना किया और कहा कि करनाल में प्रत्येक दिन रुड़की प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक ट्रक मिलता है जिसकी क्षमता 3000 किलोग्राम होती है। उन्होंने बताया कि कई बार रुड़की से गाड़ी सुबह की बजाय शाम को आती है जिसके कारण ऑक्सीजन का संकट बन जाता है। इस समस्या के निदान के लिए प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की है। यह गाड़ी सामान्य नागरिक अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। गाड़ी में 50 सिलेंडर रखे गए हैं। भविष्य में इसकी क्षमता 100 सिलेंडर तक कर दी जाएगी। संकट की घड़ी में कभी भी इस गाड़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं रहेगी। एक और जो हमने नया इनिशिएटिव जो आज लिया है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमने एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करके वैन शुरू की है और इसमें हमने अभी के लिए 50 सिलेंडर्स ऑक्सीजन के रखे हैं। आगे इसकी बढ़ा के इसकी संख्या 100 कर देंगे। आज हमें लगभग 200 नए सिलेंडर्स अवेलेबल हुए हैं तो उनमें अभी ऑक्सीजन की फिलिंग जारी है तो ये बढ़ा के 100 उस वैन में रख देंगे। तो काफी सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कई बार उनकी डिस्ट्रेस कॉल आती है कि हमारे पास इमीडिएटली 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 3 की बची है, तो हम थ्रेशोल्ड 2 आवर्स का रख लेंगे कि जिसकी भी 2 घंटे से कम की ऑक्सीजन बची है वो इस वैन को कॉल करे और जितनी रिक्वायर्ड सिलेंडर्स हैं जिनसे उनका 3-4 घंटे का काम चल सकता है वो उससे उतरवा ले और खाली सिलेंडर्स लोड कर दे। जो टोटल 16 हॉस्पिटल हैं जो हमारे यहाँ कोविड का इलाज कर रही है उन सब के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसका नंबर हम सारे 16 हॉस्पिटल्स को दे देंगे आज से ही और वो आज रात से ही इसको ये 24 आवर्स वैन अवेलेबल होगी, इसको कॉल करके मंगवा सकते हैं। वैन के साथ एक हमने पुलिस पर्सनल भी जोड़ा है ताकि इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ना हो। बहरहाल हरियाणा के सभी जिलों से ऑक्सीजन की समस्या को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी डरा देने वाली है। ऐसे में प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस संकट से निपटा जा सके।